नमस्ते दोस्तों वेलकम टू ओनली एग्जाम टूडे चैनल आज हम लोग एक्सरसाइज फोर्टीन क्लास टेंथ साइंस का समरी डिस्कस करने जा रहे हैं आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीजेज विथ आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे जैसे हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते जा रही है उसी प्रकार हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जा रहा है पहले हम लोग बाइस्किल चलते थे बुलॉक कार्ड था बाइक या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करते थे आजकल कर हम लोग पब्लिक से पर्सनल पे शिफ्ट होते जा रहे हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट वी ट्राई टू इम्प्रूव द इफिशियंटी ऑफ एनर्जी यूजेज एंड ऑल्सो ट्राई एंड एक्सप्लॉयट न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमारी उस बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए एनर्जी का इफ़ियंट यूज करना होगा और न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लॉयट करना होगा ढूंढना होगा पता लगाना होगा इफ़िशियंसी ऑफ़ एनर्जी यूजेज का अर्थात है कि उसी गोल को अचीव करने के लिए और टू इज़ द गोल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विस ठीक वी ऑल्सो नीड टू लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल्स आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एग्जस्टेड सुन हमें न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लॉयट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो फॉसिल्स फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा द एनर्जी सोर्सेज वी सिलेक्ट वुड डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक इज एंड कॉस्ट ऑफ़ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स हम जो एनर्जी सोर्स को सेलेक्ट करते हैं कितना आसानी से मिल पा रहा है कॉस्ट उसको एक्सट्रैक्ट करने में उसको निकालने में कितना कॉस्ट आ रहा है इफ़िशेंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी हम वहाँ लगाएंगे उसकी कितनी क्षमता है ठीक अवेलेबल फॉर यूजिंग दैट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग दैट सोर्स और उसका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है मेनी ऑफ द सोर्सेस अल्टीमेटली डिराइव दर एनर्जी फ्रॉम द सन और ढेर सारा जो सोर्स है मेनी ऑफ द सोर्सेज जो भी एनर्जी सोर्सेस हैं अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से आता है सन से ही आता है अगर हम और विस्तार में बात करें तो जैसे ये है जो सेकेंड लाइन था इफ़िशंसी ऑफ एनर्जी उसको हम देख सकते हैं कि अगर हम अपने घर में लाइट इमिटिंग डाइवर्ट बल्ब्स लगा लें फ्लोरोसेंट लाइटिंग लगा लें नेचुरल स्काई लाइट लगा लें विंडो नेचुरल स्काईलाइट विंडो लगा लें तो क्या होगा हमें जो घर को ट्रेडिशनल इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब से इल्यूमिनेशन करना पड़ता है घर में बल्ब जलाना पड़ता है तो दिन में एटलीस्ट हमें नहीं जलाना पड़ेगा और उससे क्या होगा पॉल्यूशन भी कम होगा कहीं ना कहीं उसके बाद देख सकते हैं मोर इफिशियंट टेक्नोलॉजी यूज करके या प्रोडक्शन प्रोसेस और एप्लीकेशन ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेड मेथड्स टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस तो हम मूव करते हैं अब चैप्टर नंबर फिफ्टीन पर आवर इन्वायरमेंट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इको सिस्टम आर इंटर डिपेंडेंट तो एक, कोई भी इको सिस्टम है तो उसका जो वेरियस कंपोनेंट्स है बायोटिक कंपोनेंट हो या बायोटिक कंपोनेंट हो बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एयर वाटर मिनरल आयल ये सब चीज़ और बायोटिक प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स तो ये कही कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है किस तरह से चाहे वो न्यूट्रिंट साइकिल हो या एनर्जी फ्लो हो ये जो दो चीज़ है ये एक दूसरे पर निर्भर है द प्रोड्यूसर्स मेक द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट अवेलेबल टू रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम जो प्रोड्यूसर्स है प्लांट्स है वही तो एनर्जी बनाता है सन से लेकर देर इज लॉस ऑफ एनर्जी एज यू गो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन किसी भी फूड चेन में आपने देखा होगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सेकेंड थर्ड या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाँ तो ये जो लॉस हर एक लेवल पे हर एक टॉपिक लेवल पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है इसीलिए तो किसी भी फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो लिमिटेड होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एन्वायरमेंट ये तो आपको पता ही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी जो जो भी क्रियाकलाप है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट पर हमारे वातावरण पर यूज़ ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोप्लोरोबन हैज इंडेंजर्ड द ओजोन लेयर सिंस द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन दिस को डैमेज द एन्वायरमेंट सी एफ सी क्लोरोप्लोरोबन जो यूज करते हैं हम लोग ओजोन लेयर पे उसका बहुत बड़ा बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ओजोन डिप्लेटिंग ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है ओजोन होल हो जाता है ओजोन होल का मतलब क्या होता है हम बाद में डिस्कस करते हैं तो कहीं कही ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन गैस ये सब का यूज़ कम करना चाहिए द वेस्ट वी जनरेट मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हम लोग जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है आई I मीन mean, बैक्टीरिया के द्वारा फंगी के द्वारा वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक हो गया द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वी जनरेट इज काउिंग सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो हम लोग जो भी उसका वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या है उसको डिस्पोज करना एक चुनौती से भरा कार्य है हाँ तो ये ओजोन होल का मतलब है इस ऐसा नहीं है कि उसमें कोई होल हो जाता है एक्चुअली क्या है ओजोन गैस है तो उसके डेंसिटी में कमी आ जाती है तो उसी को हम लोग ओजोन होल बोलते हैं और डिस्पोजल ऑफ गैस जो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है तो इसमें सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का अलग मेथड है लिक्विड का अलग मेथड है और आजकल तो जो हजारडस मटेरियल है रेडियो एक्टिव है उसका डिस्पोजल तो एक बहुत बड़ी ही समस्या बनते जा रही है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन हम लोग आज मूव करते हैं चैप्टर नंबर सिक्सटीन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आवर रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाटर कोल्ड एंड पेट्रोलियम नीड टू बी यूज इन ए सस्टेनेबल मैनर सस्टेनेबल मैनर हमने लास्ट वीडियो में बताया था टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर ठीक फ्यूचर का ख्याल ख्याल रखते हुए हम लोग जो भी रिसोर्स है हमारे पास उसको यूज करें वी कैन रिड्यूस प्रेशर ऑन द एन्वामेंट बाय सिंसियरली अप्लाइंग द ये तो आप लोग जानते हो रिफ्यूज रिड्यूस री यूज रिपर्पस एंड रिसाइकिल इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं रिफ्यूज का मतलब है कि हम लोग बोल देंगे नो no. डोंट अगर हम लोग मुझे नहीं चाहिए तो हम लोग नहीं लेंगे लाइक रिफ्यूज़ टू बाई प्रोडक्ट्स डैट कैन हार्म यू हम लोग ऐसा प्रोडक्ट्स बाई नहीं करेंगे जो हम मुझे हार्म कर सकता है या फिर से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स या आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे नो टू यूज सिंगल यूज जो जिस प्लास्टिक को एक बार हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम यूज ही क्यों करें री यूज़ का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को बार बार यूज़ करना जिस एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकिलिंग रिसाइकिलिंग से भी अच्छा है क्योंकि रिसाइकिल में एटलीस्ट फिर से कहीं ना कहीं एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो यहाँ पर है कि जैसे कोई प्लास्टिक बॉटल हमने बाय किया जेम के लिए पिकल के लिए तो उसको हम लोग फिर से री कर सकते हैं किचन में किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए रिड्यूस कम यूज करना किसी भी चीज़ को रीपर्पस रीपर्पस को आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर ओरिजिनल पर्पज थिंक केयरफुल्ली लाइक क्रैक्ड क्रोकरी है कप्स है ब्रोके हैंडल उसका कोई क्रैकरी है बर्तन है कप है उसका हैंडल अगर टूट गया है तो उसको हम लोग स्मॉल प्लांट बोने में या फिर कोई बर्ड सीड्स को फीड देने में तो कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं अगला है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट तो फॉरेस्ट रिसोर्स को भी आपको मैनेजमेंट करना होगा अच्छा से क्योंकि वो प्रोड्यूसर के रूप में और या फिर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोसिस्टम मैनेजमेंट में, में। हार्नेसिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग डैम्स तो ये जो वाटर रिसोर्स को मैनेज करना डैम्स बनाकर या फिर वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल करता है एक लोकल लेवल पर पानी को मैंटेन करने में आप देख सकते हो कहीं किसी हर बहुत सारे स्टेट में ऐसा रूल भी बनाया हुआ है कि हर गवर्नमेंट ऑफिस में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होनी चाहिए अगला द फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम विल अल्टीमेटली भी एग्जिस्टेड जो फॉसिल फ्यूल्स है ये तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज दे आर कम्बशन पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट वी नीड टू यूज दिस रिसोर्स जडिशियसली क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी करता है और ख़त्म भी हो जाएगा तो हम लोग को एक प्रॉपर वे में टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर सस्टेनेबल वे में जडिशियस यूज करनी चाहिए ये सब चीज़ों का अगर हम बात करें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को तो अलग अलग स्टेट में इस चीज़ का अलग अलग नाम है थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो थैंक्स थैंक्स ए लॉट